एवरीवन, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इंटीजर। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस, चलिए इंटीजर्स का मतलब समझ लेते हैं। तो इंटीजर्स होते हैं, एंड इंटीजर्स इंक्लूड्स पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स एंड होल नंबर्स। तो जो इंटीजर्स होते हैं, दे आर अ कॉम्बिनेशन ऑफ पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स एंड होल नंबर्स। अब उनके एग्जाम्पल्स देखेंगे, तो इसे 103, -103, 48, 0। अब 0 इज नाइथर अ नेगेटिव नंबर नॉर अ पॉजिटिव नंबर। ना तो वो नेगेटिव नंबर है और ना ही वो पॉजिटिव नंबर है। मेरे मन में ये क्वेश्चन है कि 0 का फायदा ही क्या है, 0 किस यूज में आता है। तो मैं आपको बता दूं कि फॉर एग्जाम्पल, मेरा रमेश तो सबको पता ही होगा, है ना, वो उसका अपोजिट यहाँ पे दिखता है। तो फॉर एग्जाम्पल 0 ले लिया हमने, 1, 2, 3। अब यहाँ से हमने नंबर्स ले लिए। अब मेनली हम देखें तो 0 एक मिरर की लाइन की साइड है, मतलब इसका अपोजिट इस साइड दिख रहा है कि नहीं। तो मेनली 0 हमारे इस यूज में आ गया। अच्छा ठीक है, अब नेक्स्ट चीज पे बढ़ते हैं। अब इंटीजर्स जो होते हैं, जैसे मैंने कोई नंबर लिया 1, तो वी नो दैट 1 से ग्रेटर 2 है, बट इन नेगेटिव नंबर्स इट इज अ अपोजिट थिंग। फॉर एग्जाम्पल, इफ वी टेक द नंबर -1, तो -1 इज द ग्रेटेस्ट नंबर इन नेगेटिव नंबर्स। यस, इफ वी टेक इट एज -1000, तो -1 will be greater than -1000. So this is an easy thing, right? तो अब हम आते हैं नंबर लाइन पे। नंबर लाइन पे हमें पता है क्या है, 0 के राइट साइड में सारे पॉजिटिव नंबर्स है, 0 के लेफ्ट साइड में सारे नेगेटिव नंबर्स है। दूसरी बात ये ध्यान रखने वाली है कि 0 जितने भी नंबर्स राइट साइड में जाते हैं ना, वो बड़े होते जाते हैं। सो दे आर इन असेंडिंग ऑर्डर, छोटे से बड़े से बड़े से बड़ा, एंड ऑल। तो मतलब इधर से तो वो ग्रेटर होते जाते हैं, और इधर से जब वो जाते हैं तो वो छोटे होते जाते हैं, मतलब लेसर होते जाते हैं। सो दे माइट बी डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, अब वही, अब हम लोग आते हैं एडिटिव इनवर्स पे, जो कि बहुत इजी है, आप भी इजीली इसको मेमोराइज कर सकते हैं। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैंने कोई नंबर लिया 3, सो इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, इसका एडिटिव इनवर्स होगा -3। तो मेनली क्या है, अगर वो कोई पॉजिटिव नंबर है तो फिर उसका एडिटिव इनवर्स नेगेटिव नंबर में चला जाएगा, और अगर वो नेगेटिव नंबर है तो उसका वो नंबर पॉजिटिव नंबर में चला जाएगा। तो दो तीन एग्जाम्पल्स लेते से, -4 का होगा 4, -5 का होगा 5, और 6 का होगा -6। ठीक है, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट करके बताना, प्लीज लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर कर देना, और हाँ, सब्सक्राइब के पास वाले बेल आइकन को बजाना मत भूलना। बाय रथी। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट करके बताना, प्लीज लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर कर देना, और हाँ, सब्सक्राइब के पास वाले बेल आइकन को बजाना मत भूलना। बाय रथी।